सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड आर्क सर्वाइवल बोल का, आर्क डू और डाई का एक और नया एपिसोड लेके मैं आप सभी के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ। सो गाइस, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर आप लोग को आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने, नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है, वहां से आप लोग बना सकते हो। तो निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर चेकआउट कर लेना। सो गाइस, आज का ये वाला जो एपिसोड है ना, वो होने वाले हमारे लिए काफी ज्यादा ही जो है ना गाइस खतरनाक वाला। क्योंकि आज के इस वाले एपिसोड में सबसे पहले तो मुझे जाके ऑर्गेनिक पॉलीमर जो है वो लेके यहाँ पे आ जाना है, क्योंकि ऑर्गेनिक पॉलीमर मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और उसके लिए मुझे जो ना कि सबसे पहले जाके एक पीटी को टेम करने का काम करना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं दौड़े दौड़े जाता हूँ और पीटी को टेम करता हूँ। और अभी आप सोच रहे होंगे पिछले एपिसोड में जो गाइस डिफेंस ड्रोन 6-6 या 4-4 मिलियन का डैमेज देकर हमको मार रहे थे, वो कौन थे। तो एक्चुअली में जब मैं वहां पे गया था ना बाद में, तो मुझे वहां पे एक रेक्स बॉस दिखाई दिया जिसके लगभग 99 मिलियन हेल्थ थी। और वही बॉस अपने उन ड्रोन्स को आसमान में छोड़ रहा था। एंड वही ड्रोन्स जो है गाइस वो हमारे ऊपर हमला कर रहे थे पिछले एपिसोड में, जब हम लोग वहां पे मेटल फार्म करने के लिए गए थे। तो अगर मुझे वापस से जाना है तो मैं उस जगह से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन ड्रोन्स की रेंज आपने पिछले एपिसोड में देखी होगी यार, कितने दूर दूर आगे गाइस हम लोग को मारा था। और अभी मुझे भाई 20 लेवल इतने भी अरे भाई, ओ भाई व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई। लो लेवल का पीटी मुझे दिख रहा है भाई, हाई लेवल का पीटी कहाँ है, वो कितना है भाई। 20 लेवल का पीटी ना ही टेम करना मुझे, मुझे टेम करना है तो थोड़ा हाई लेवल का पीटी टेम करूंगा मैं। ये कितना है भाई, क्या आज का सारे के सारे 20 लेवल के पीटी स्पॉन हुए क्या पूरे वर्ल्ड में। मैं थोड़ा सा आगे जाके गई पीटी की लोकेशन ढूंढता हूँ, रुको मुझे एक लोकेशन मतलब पीटी को ही ढूंढता हूँ, पीटी की लोकेशन नहीं सीधा पीटी को ही ढूंढ लेना हम लोग को। और यहाँ पे भी धीरे धीरे करके बॉस वगैरह स्पॉन होना जो ना गाइस वो शुरू हो चुका है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, ट्वाइलाइट ट्रीट चाहिए जिसका जुगाड़ अभी फिलहाल के लिए हम लोग नहीं कर सकते, तो उसको ट्वाइलाइट ट्रीट कहाँ से खिलाए यार, वो तो मेरे पास खुद भी नहीं है और वो मैं बना भी नहीं सकता हूँ एक्चुअली में, शायद से मैंने ट्राई भी नहीं करा। कितना है भाई 20 सच में, हाँ 55 लेवल, ये क्या 20 लेवल ही, देखो ये भी 20 लेवल, क्या सारे 20 लेवल के 150 रुपया देगा ये 55 को मारो गोली 150 लेवल का जो ये पीटी है वो कितना लेवल है 100 लेवल ना, मेरे को 150 चाहिए भाई, 150 लेवल का पीटी भाई, इसको हवा में नॉकआउट कर सकता हूँ मैं। ये 145 भाई, 150 वाले को नीचे उतरने में टाइम लग जाएगा, सो 145 वाले से काम चला लेंगे हम लोग। वोट से हेडशॉट भाई, हाँ ट्रैंक आ रहा है, संभल के थोड़ा संभल के हेडशॉट मारेंगे, कहीं मर भी ना जाए। बैकअप के लिए एक हाथ अगर और पीटी मिल जाए तो मज़ा आ जाता ब्रेव। वो कहाँ पे चला गया 150 वाला, ये रहा क्या, हाँ ये रहा 150 वाला पीटी भी गाइस उतर चुका है। अबे यार मैं पानी में बोला नहीं चला सकता क्या, ये मेरे को बता नहीं था, रुको ओए ओए बेटा रुक जा, पट से हेडशॉट ब्रो पट से हेडशॉट। चल बेटा पहले तेरे को टेम करूंगा मैं, टेंशन नहीं लेना, हो जा बेहोश, रेगुलर केबल चाहिए भाई है। अरे भाई हेलो, ठीक है ये तो भाई अलग ही सस्ते नीचे घर के बेटा, मैं वहाँ पे कैसे चढ़ूंगा, मेरे पास ग्रैपलिंग हुक वगैरह नहीं है, मुझे ग्रैपलिंग हुक बनाना पड़ेगा तब जाके मैं ऊपर चढ़ पाऊँगा। चलो इसी से काम चला लूँगा मैं अभी फिलहाल के लिए तो। इसके लिए रेगुलर केबल चाहिए भाई, रेगुलर केबल तो मैं भाई भर के बना लूँ। FMK वाला भाई टेमिंग पोशन है हमारे पास, नहीं यार टेमिंग पोशन नहीं है तो टेमिंग पोशन भी 3-4 में बना ही लेता हूँ। ठीक है ये इसके अंदर डालेंगे, उसके बाद रेगुलर केबल इसको खिलाएंगे और टेम कर लेंगे। अगर मेरे पास केरिटिन है तो यहाँ पे भाई इसका सैडल बन जाएगा, बट केरिटिन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये पानी में गिर गया ना, हाँ गिर गया पानी में, आई थिंक से उसके ऊपर बोला लगा हुआ था इसलिए जो है ना वो हाँ हवा में उड़ रहा था भाई। ये ले चेमल पर भी ले और ये भाई रेगुलर केबल भी ले, हो जा टेम बराबर। पैसिव दोनों को पैसिव करके मैं लेके जा रहा हूँ भी फटाफट से घर पर, और मुझे जाके ऑर्गेनिक पॉलीमर जो है इस वो लेके आना है। और ये मॉड काफी ओपी है, इसमें बॉसेस वगैरह ना काफी ज्यादा खतरनाक वाले हैं। बॉसेस के एक मिनियन ने पिछले एपिसोड में हम लोग को 3-3 मिलियन का डैमेज दे दे के भूत बना दिया था। सोचो जो भाई मैं नहीं खेल रहा भाई, ये क्या बदतमीजी हुई यार, तेरी भैंस की आंख, इसकी भैंस की आंख भाई, क्या बदतमीजी है बेटा तेरी तो मैं है
फालतू के कर रहा है यार, फालतू में मतलब भेज गए आग बाईज गए, दिमाग खराब कर दिया गाइस मेरा, मेरा मार दिया भाई चमट में दिमाग को आ तो तो वो क्या इधर इधर की ऋतु में भिखारी साला भाई चोर सारी चीजें चुरा के भागता है, वो टैपे जरा को मार नहीं सकता तो इसके ऊपर ही भाई गुस्सा निकाल रहे। तू भी आ इधर, क्या घूम रहा है मेरे सामने, इसे घूमने का नहीं मेरे सामने। मेरा पीटी का आ गया गाइस, आ जा तू भी आ जी मुड़े आ इधर, आज जो भी आएगा वो टेला जाएगा भाई मेरे हाथ। तो मैं कितना खुश था, मैंने दो पीटी टेम करे थे गाइस, खां गया भाई गाइस भाई बहुत चूमू गया मैं गाइस सच में, कितना खुश था मैं भाई, मेरे दो दो पीटी भाई, एक 150 लेवल का और एक 145 लेवल, अभी क्या 20-20 लेवल वालों को टेम करूं मैं, गेम भी चमन है। तेरे को आ रहा है तू, मार खाने आ रहा है तू, आ जा भाई तेरे को भी उड़ा देता भगवान के पास पहुंचा देता भाई। 20 लेवल के पीटी का उतना पहली बात तो स्टैमिना नहीं होता, तो क्या ही करें हम भाई। 140 भाई तू चाहिए मेरे को भाई, चाहिए 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 भाई, 140 वाला चाहिए मुझे, रुको पोर्ट से और पोर्ट से और हाँ, ये चीटिया जो है ना भाई, रुक जाओ ना, रुको रुको रुको, इनको इन लोग ने मेरे को फ्लावर समझ रखा है, इनको दिखाता कि मैं कौन है भाई, आ के मार के जा रहे हो ना, इधर आ, क्यों बेटा पट से हेडशॉट लगा, इधर भाग का रही है अभी अभी भाई, एक बार मेरे को जिसने उंगली करा उसका बचना मुश्किल ही नहीं बेटा, नामुमकिन हो जाता है। तू भी तेरे को भी अलग चुल मचे ना, तेरे को भी अलग से चुल मचे, रुक जा रुक जा, तेरे को भी डोज देता हूँ मैं भाई, इसको भी डोज चाहिए, इसको भी देता हूँ मैं, क्रॉसबो से उड़ा के रख दूंगा मैं इसको, फ्लावर समझाएगा मेरे को, फ्लावर समझाए तू बेटा, रुक तो मेरे पीटी खा गए भाई, मेरा जो दिमाग घुमाना उस टाइम पे आराम से आ रहा था। और एक तो ये पिकैक्स पता नहीं इतना ज़्यादा रिसोर्सेज कैसे इकट्ठा कर पाती है, लैग करा देती है एक सेकंड के लिए गेम को, मैं अगर नॉर्मल पिकैक्स से वही हार्वेस्ट करूंगा ना तो गेम लैग नहीं होगा, बड़े पिकैक्स जो है ना इतने ज़्यादा रिसोर्सेज देती है इस मॉड वाली ना कि पूरे गेम की बैंड बजा देती है। 800 बेटा तू मरा भाई, बल्ब डॉग के वजह तू मरा, चल कल आना कल, ठीक है चलो अभी फटाफट से इस वाले पीटी को मैं टेम कर लूँ, इसके साथ कोई हादसा ना हो जाए, रेगुलर की बल ये ले भाई, हो जाते एफएम के पोशन चाहिए क्या, मुझे लगा भाई हंगरी हो गया होगा, अभी तक नहीं हुआ, ओके आ जा भाई, तू मरना नहीं भाई, रुको इसको भी पैसिव कर लूँ मैं, टेम करता हूँ भाई, कोई ना कोई आके जाके मार देता भाई एक एक फटके में, इनको इज्जत ही नहीं पीटी लोग की गई समाज में कुछ। चलो मैं इसको भी ऊपर लेके जा रहा हूँ गई आराम से, आ जा पीटी भाई, पीटी को आराम से ऊपर लेके जा, और रुक जा हाँ ठीक है, चलो इसको आराम से ऊपर लेके जा रहे, अरे हटो यार हाँ, और यहाँ पे इसके लिए मैं सैडल बना रहा हूँ फटाफट से, ठीक है, और सैडल बना के थोड़ा घूम के जाऊँगा मैं, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक पॉलीमर चाहिए, सो ऑर्गेनिक पॉलीमर तो मुझे भाई किसी भी कीमत पर उसका जुगाड़ करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है भाई। काम करे भाई तू यहाँ पे बैठ, तो केरिडिन कहाँ पे मेरे पास, केरिडिन की मैं खेती बाड़ी करने के लिए डालता हूँ बट, लेकिन 3 मिलियन हेल्थ वालों से भाई मैं बचूंगा कैसे, मैं सोच रहा था मैं भाई केरिडिन वगैरह जो होगा भाई, 4000 पड़ा हुआ है यार मेरे पास, वैसे सिंगल प्लेयर वर्ल्ड है इसमें ज़्यादा कुछ गई इस खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी, तो भी चलो कोई सीन नहीं है, डाल दिया मैंने वहाँ पे। मैं सोच रहा था कि अपने पीटी के लिए ना एक वो बना लूँ यार सैडल असेंडेड वाला, बट वही सीन है बात भाई, फिर वापस से आ जाता है कि ये 4 मिलियन डैमेज देने वाले डायनो से मुझे क्या अपना पीटी का असेंडेड वाला सैडल बचा पाएगा, और जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइज अपना सैडल नहीं है। रुक जाओ, फोर्ज नहीं है यहाँ पे, ओ ये री फोर्ज, फोर्ज यहाँ पे हमारे, फोर्ज यहाँ पे जिनके अंदर मेटल जो है गाइज वो आराम से पिघल रहा है, यहाँ पे हम लोग डाल देते थोड़ा ऑयल शोइल, ऑयल से गैसोलीन बनाने के लिए डाल देता हूँ, कभी भी कहीं पे भी काम आ सकता है, सो इसलिए गैसोलीन डाल देता हूँ यहाँ पे बराबर। एंड पीटी के ऊपर लगा देता हूँ सैडल भाई, तेरा स्टैमिना बढ़ाना है मुझे भाई, हेल्थ भी बढ़ानी है वैसे, और एफएम के वाला मैं इसको खिला दूंगा भाई एक्सपी पोशन, और साथ में भाई यहाँ पे इम्प्रिंटिंग पोशन, जिसे इम्प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली ऑन द स्पॉट, 4000 हेल्थ है भाई की, वेट में पॉइंट डालना तो मैं भूल ही गया, उप्सी उप्सी ब्रो, गाइस वेट जो है ना गाइस डायनोस का वो मैं फटाक से इंक्रीज कर लेता हूँ, क्योंकि वेट जो है ना गाइस नॉर्मल पीटी वगैरह का वो काफ़ी ज़्यादा लो है, और इसलिए जो ना गाइस हम लोग इनको राइड कर नहीं पा रहे भाई अच्छे से। एक काम करता हूँ ना मैं, रुको, इंक्रीज करने से अच्छा जो मेरे पास फालतू का सामान है
जो मेरे किसी काम का नहीं है, जिसके रीजन से ओवरवेट हो रहा है, वो यहाँ पे डाल दो। मेरे पास 1000 सीट है भाई, इतनी सीट किसी ने दी है मुझे? ये यहाँ पे डालने दो, ये यहाँ पे है, यहाँ पे मेडल तो लेके जाना पड़ेगा यार, थोड़ा सा बीच में काम आ जाता है रस्ते में भाई, पोशन वगैरह बनाने के और केबल वगैरह के लिए। ठीक है, अभी इसका वेट भाई ठीक हो चुका है, थोड़ा और डाल देता हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक पॉलीमर लेके आएंगे जो हम लोग पास है। ठीक है चलो, अभी इसको लेके आए, देखो सामने की तरफ वो ड्रोन से बराबर, तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे इसे। वो रेक्स वहाँ पे, मैं आपको रेक्स भी दिखा दूँ क्या? नहीं रहने दो, नहीं 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 गाइस, मैं रेक्स दिखाने का रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा। एक पीटी जो है गाइस वो मरा है मेरा, 2 पीटी मरे अभी, मैं और पीटीज को मरवाना नहीं चाहता हूँ। रस्ते में अगर हाई लेवल का कोई पीटी दिखा तो उसको ज़रूर से टेम करने की कोशिश करूँगा। ये रहा 145 वाला है तो सही, बट वही सीन है कि मतलब कैसे भाई उसको हम लोग नॉकआउट करें भाई, वो हवा में उड़ रहा है। छोड़ो गाइस, अभी इसी पीटी से काम चला लेते हैं, मुझे बस ऑर्गेनिक पॉलीमर मिल जाए और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो ना गाइस आगे के इनकी किबल्स या ट्रीट वगैरह जो है वो बनाना शुरू कर देंगे एक एक करके। बस मेरे ऊपर भाई वो ड्रोन वगैरह है वो हमला ना कर दे भाई, यहाँ पे उड़ भाई 33 लेवल अब, बाबा रे बाबा भाई, जमीन पे नहीं लैंड करना, इधर कर। अच्छा ब्राउन तो है, मुझे लगा कोई और डाइड है। ओके, इसका मैं भाई स्टैमिना में पॉइंट डाल रहा हूँ और थोड़े डैमेज में और थोड़े हेल्थ में। 10,000 हेल्थ है, 1,000 भाई यहाँ पे इसका स्टैमिना है। ओके, और अभी हम लोग इसको लेके जा रहे हैं, आराम से उड़ जा भाई, आराम से लेके जा रहे हैं इसको हम लोग अभी फिलहाल के लिए वॉल्केनो बायोम पे। यहाँ पे नॉर्मली डायनोस दिख रहे हैं, और पीटी है तो सही 50 हो रहे 130। ओके, फ्यूनिक्स डंग बीटल फ्यूनिक्स वेरिएंट, आर यू कॉमेडी मी? फूट से हेडशॉट भाई, रुको डंग बीटल वा क्या चाहिए, क्या कहेगा भाई? मीट स्पॉइल मीट एक खाएगा बोल रहा है, स्पॉइल मीट एक खाएगा तो सही, बट मेरे पास स्पॉइल मीट ही नहीं है, रेगुलर केबल। स्पॉइल मीट का जुगाड़ अगर हो जाए तो काम बन जाए, लेकिन इतने जल्दी स्पॉइल मीट का जुगाड़ भी नहीं होगा। इसको टेम कर लेता हूँ, बैकअप है गाइस अपना, ये बैकअप है, ये मुझे चाहिए भाई, मेरे को ये चाहिए डंग बिटलवा। लार्ज ह्यूमन फीस कितना, एक ही ना, मैं 40 करूँ ये ले। अरे भाई साहब मैंने 40 कर लिया भाई, लकीली हम लोग को 40 आ गई थी, अभी जाके इसको पट से नॉकआउट टेम। अरे नॉकआउट टेम ब्रो, तो फिर डिफिकल्ट है थोड़ा, क्या ने बोला पट से? अरे बेचारे को क्या बोला करा है ब्रो, तेरे को पट से हेड शॉट दू, पट से हेड शॉट दे रहा। ठीक है 600 700 800 कितना टॉरपोर चढ़ रहा है कि बारे में 850 1600 टॉरपोर तो कम से कम चढ़ेगा यहाँ पे इसको, 1700 चढ़ गया। पट से बेहोश, सट से इसके अंदर डालेंगे टट्टी भाई, ये तो कुछ खतरनाक वाला ही फर्टिलाइजर बन रहा है इसके अंदर, लाल लाल कलर का अजीब सा फर्टिलाइजर बन रहा है भाई इसके अंदर। हो जा टेम भाई, देख तू बोला था ह्यूमन की टट्टी चाहिए, मैंने तेरे को ह्यूमन की टट्टी खिलाई, अभी ये मत बोल कि स्पॉइल मीट चाहिए ना, मेरे पास मीट है ना स्पॉइल मीट, मीट का जुगाड़ मैं कर सकता हूँ। अंडा खाएगा ब्रो, मीट का जुगाड़ एक्चुअली में मैं कर सकता हूँ। मीट का जुगाड़ कर सकता हूँ एक्चुअली में, मुझे नहीं लग रहा है मीट खाएगा, इसको चाहिए बस खाली स्पॉइल मीट, मुझे लग रहा है कि इसको स्पॉइल मीट ही चाहिए होगा खाली। मीट खाएगा, खा रहा है, मीट भी खा रहा है, चलो काम हो गया गाइस। हमारे पास एक प्यारा सा फ्यूनिक्स वाला डंग बीटल आ चुका है, मजाक हो रहा है क्या भाई? चलो लेट्स गो, चल दे, क्या पता भाई और कौन कौन से क्रीचर भाई, तू और वेट क्यों हो गया? ओ मैंने थोड़ा सा मीट उठाया इसलिए, ये ले बस खुश, मैंने मीट फेंक दिया, डन। रस्ते में अगर मुझे कुछ ऐसे ही भाई यूजफुल डायनोस दिखते हैं तो मैं उनको जरूर से टेम करना चाहूंगा। डोडो कौन सा है? नॉर्मल डोडो, फ्यूनिक्स वाला डोडो वगैरह दिखता है तो जरूर टेम करूंगा, क्योंकि इनके अंदर ना जो चीजें बन रही है वो भले हमारे अभी काम नहीं आ रही है, बट बाद में फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, इसलिए कि इनको मैं टेम कर रहा हूँ। वैसे मैं वॉल्केनो के पास पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे खतरा अभी तो दिखाई नहीं दे रहा खास कुछ। ओके, अभी तो खास कुछ दिख नहीं रहा, और मेरा जो पीडी है उसका डैमेज भी काफ़ी बढ़िया जा रहा है, 800 का डैमेज जा रहा है एक फटके में, मैंने वहाँ पे ट्राइक की बैंड बजा दी थी। चलो आराम से चल रहे फिलहाल के लिए, तो कोई भी खतरा नहीं दिख रहा यहाँ पे, और मैं डायरेक्टली टीपी मार के मैं वहाँ पे एक टीपी लगाना चाहूँगा। ठीक है, वॉल्केनो बम पे ना मैं एक टीपी जरूर लगाऊंगा,
रुक जाओ, मैं यहाँ पे एक टेलीपोर्टर लगा देता हूँ नीचे। मैं वॉल्केनो बम पे जो ना कैसे एक टीपी पक्का 100% लगाने वाला हूँ। इज दैट फ्यूनिक्स वाला पीटी ना, वो फ्यूनिक्स पीटी है ना, ट्वाइलाइट। अरे यार इनके लिए वो ट्रीट बनानी चाहिए गाइज, मैं ट्वाइलाइट विलाइट पर ट्रीट वगैरह होगी ना वो जरूर बनाऊंगा। ये क्रीचर जो आप देख रहे हो ना अभी, ये तो नॉर्मल क्रीचर है, अभी तक तो आपने कुछ देखा ही नहीं है गाइज। आगे आगे देखना भाई क्या क्या भाई क्रीचर हम लोग को मिलता है। मैं यहाँ पे ना एक टीपी लगा लेता हूँ, ओके यहाँ पे एक टीपी लगा देना है मुझे, समझ गए भाई कोई खतरा तो नहीं है। यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसके आजू बाजू हमको ऑब्सीडियन मिल जाता है। यहाँ पे डाल देंगे लावा, लावा बायोम वाला टीपी लग चुका है। कभी यहाँ पे आना हो तो हम लोग इजीली आ सकते हैं। अभी बस मुझे ढूंढ लेना भाई, चीटी है यार, मुझे अभी बस ढूंढ लेना है यहाँ पे एक मैंटिस। वाह, मुझे बस एक मैंटिस चाहिए। वोरा मैंटिस नॉर्मल मैंटिस हो प्लीज़ यार। हाँ नॉर्मल मैंटिस है, 450 भाई समथिंग कुछ इसका वो है। ठीक है पोर्ट पे बराबर। ये कोई है, ये कौन है? वॉइड, इसको खाने के लिए कुछ इसके भाई बंधु लोग आ रहे हैं, इसको खाने के लिए आ रहे। देखो इसको खाने के लिए आ रहे भाई वाइल्ड वाले भाई स्पाइडर से। वाइल्ड वाले ट्रीट वगैरह मेरे पास नहीं है, जो चीज़ मुझे चाहिए थी मुझे मिल चुकी है। सो चुपचाप से अभी कल्टी मार लेता हूँ। लावा पे नहीं भाई, चलो क्या मतलब। अरे भाई बावड़ी पूछ, अबे यहाँ पे नहीं मारना था। मैंने अपने घर को नाम ही नहीं दिया क्या अभी तक? मैं होम करके ढूंढ रहा था टीपी, लेकिन मिला ही नहीं मुझे। ये रहा, रुको इसको नाम दे देते गाइस होम। इसको नाम ही नहीं दिया अभी तक हम लोग ने। चलो तो हम लोग को जो ऑर्गेनिक पॉलीमर और चिटिन चाहिए था वो मिल चुका है बराबर। चिटिन वैसे मुझे नहीं चाहिए था बट मिल गया हम लोग को, अच्छी बात है। चलो नाउ यहाँ पे ऑर्गेनिक पॉलीमर एक का डबल होगा, यहाँ पे चिटिन एक का डबल होगा बराबर। अभी गाइस यहाँ पे बात आती है ट्रीट की। सो हम लोग जो ट्रीट्स है कहाँ पे भाई? कंज्यूमेबल्स, क्राफ्टिंग फूड, ट्रीट्स, फर्स्ट आयर। फर्स्ट आयर में आता है वाइट ट्रीट। इसको बनाने के लिए वाइट ड्राई मीट चाहिए। वाओ, वाइट ट्रीट बनाने के लिए भाई बहुत ज़्यादा सामान चाहिए। हम लोग को इसके लिए फार्मिंग करनी पड़ेगी, फार्मिंग के बिना जो है ना कहीं काम नहीं होगा, फार्मिंग करनी पड़ेगी। लकीली जो मैं डंग बीटल लेके आया हूँ, क्या ये डंग बीटल ब्रो? अगर मैं तेरे अंदर टट्टी डाल दो भाई ठीक है, बट इसका वॉन्डरिंग इनेबल करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए एक स्पेशल रूम बनाना पड़ेगा जहाँ पे इसको घुमा के फिरा के छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है रुको, तुम लोग टट्टी शट्टी करो ना, ये टट्टी करेंगे तो शायद ये उठा लेगा। रुकना फार्मिंग करनी है अभी, बट ये डंग बीटल के लिए भी एक घर बनाना है और हमको एक फार्म भी बनाना है। फाउंडेशन भाई 100 नहीं यार, 10 की भाई 10 बनने में भाई 4 साल लग जाएंगे। 30 फाउंडेशन, ठीक है फाउंडेशन बना के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे डंग बीटल के लिए एक पर्सनल रूम बनाऊंगा, क्योंकि डंग बीटल को जब तक हम लोग इनेबल वॉन्ड्रिंग करके नहीं छोड़ेंगे वो हम लोग को फर्टिलाइजर नहीं देगा। मतलब हम लोग ने सही डायनो रैंडमली ऐसे एक्सीडेंटली भाई डायनो टेम करा, लेकिन सही डायनो टेम करा क्योंकि इसकी अभी हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फार्मिंग के लिए। ओके सो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ लाइक दिस। ये डंग बीटल के लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए? आई थिंक से इतने बड़े जगह पे इसका काम बन जाना चाहिए। मेरे पास सीलिंग और फाउंडेशन शायद से पिछले वाले बिल्ड के पड़े हुए होने चाहिए। रुको लेट मी चेक, पिछला जो हमारा बिल्ड था उसमें तो सारे रिसोर्स हमारे यूज़ नहीं हुए थे, यो जो घर बनाया हम लोग ने। सो इस बिल्ड का रिसोर्स कहाँ पे पड़ा हुआ है, कहाँ पे रखा है मैंने? इसमें फाउंडेशन और सीलिंग वगैरह ना है, मैंने फाउंडेशन सीलिंग कार पे रख दी भाई। यार मैंने रखी कहाँ पे? इतना तो पता है कि रखी होगी कहीं ना कहीं तो रखी होगी, बट कहाँ पे? ये रही सीलिंग फाउंडेशन रेलिंग। फाउंडेशन ज़्यादा 11 इनफ है यार, 11 इनफ है क्योंकि मैं वैसे भी इसको भाई ज़्यादा कुछ एक्सपेंड नहीं करने वाला हूँ, इतना इनफ है। ओके इतना इनफ रहेगा, यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड अभी यहाँ पे लगेगी ये सीलिंग, 20 सीलिंग है बराबर। सो इतना इनफ है या फिर मैं और आगे बढ़ाऊँ? और आगे बढ़ाऊँगा तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगा लगाया था मुझे। ठीक है रुको, रेलिंग्स लगेगी क्या बड़े यहाँ पे? यहाँ रेलिंग लग रही है, यहाँ पे ओह लग रही है। ऑलराइट चलो, सो मुझे अभी बस रेलिंग बना लेनी है और स्टेयर्स बना लेनी है, बाकी सारा सामान हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था। ठीक है सो मुझे बस यहाँ पे अभी रेलिंग्स लगा देनी है लाइक दिस।
ओके, एक यहाँ एंड डबल घर, डबल डोर लगा देता हूँ। चलो यहाँ पे स्टेयर्स बनाते और डबल डोर बनाते, ठीक है, डबल डोर बनाते, 1 2 1 2, ठीक है। ग्राइंडिंग तो है गाइस, हर मॉड के स्टार्टिंग में ग्राइंडिंग हम लोग को करनी पड़ती है, बेसिक से भाई इसमें सीखना पड़ेगा क्योंकि ये मॉड थोड़ा सा नया है गाइस हम लोग के लिए। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें सीखनी पड़ेगी। ओके सो डबल डोर जो रहेगा ऑटोमेटिक रखते हैं बराबर। अभी इस डंग बीटल को वापस छोड़ देना है, बट इसके अंदर स्पॉइल मीट डालना पड़ेगा मुझे, जो कि इसका भाई फूड रहेगा 200 स्पॉइल मीट। लेट मी ओके, हाफ द स्पॉइल मीट एंड यहाँ पे डाल देते हैं। इसके वेट में पॉइंट जाएंगे, मिली डैमेज, मूवमेंट स्पीड, हेल्थ में डाल देता हूँ, स्टैमिना में, वेट में और थोड़े हेल्थ में बराबर। भाई आराम से, और ये हंगर पोशन खा ले, ठीक है। इसको हाँ, इसको मैं राइड कर सकता हूँ, वाओ। एक मिनट रुक जाओ भाई, तेरे को ये बनाने के लिए क्या चाहिए? फर्टिलाइजर 5 चाहिए घर, भाई थोबड़ा देखा है तूने? 5 फर्टिलाइजर मांगेगा डंग बीटल के बच्चे, लाड़ में आ रहा है कैसा था? 5 फर्टिलाइजर चाहिए बोल रहा भाई, शर्म आ रही है कुछ इसको? भाई 5 फर्टिलाइजर मांगेगा भाई, 5 फर्टिलाइजर तो मैंने देखे नहीं अभी तक। इसको चाहिए 5 फर्टिलाइजर, उससे वो वाला फर्टिलाइजर ये बनाएगा भाई। आ रही को एक फर्टिलाइजर भी मिल गया ना तो भी हमारा काम बन जाएगा। टॉयलेट शॉयलेट बना लूँ मैं, मुझे ये देखने दो ये क्या क्या इकट्ठा करके दे रहा है। फालतू में कुछ ही नहीं इकट्ठा करके दे रहा है, टाइम पास कर रहा है खाली, कुछ भी ना इकट्ठा करके दे रहा है गाइस, कुछ भी नहीं दे रहा है भाई। तू तो टट्टी है भाई, टट्टी नहीं है वैसे, क्योंकि इसका काम भाई हम लोग को फ्यूचर में आएगा, ये फ्यूचर में काम आएगा, भले अभी ना आए काम। इसको भाई इसके जगह पे रख देता हूँ मैं, और फर्टिलाइजर का मैं तेरे लिए जुगाड़ करता रहूँ जाडन बिटलवा। तू पागल है भाई, मेरे को रोक, मैं अटका दिया फाउंडेशन के अंदर, अटका दिया यार इसने, ये देख रहा हूँ फाउंडेशन के अंदर अटका दिया भाई, ठीक है। मतलब इसके ऊपर है ये क्या है भाई, रुको ये क्या है भाई, मैं ग्लिच हो गया क्या? हाँ नहीं, मुझे लगा ग्लिच हो गया भाई उसके ऊपर बैठने के बाद, ठीक है रुको। इसको यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, वापस से फाउंडेशन लगा देता हूँ एंड डंग बीटल को मैं वापस से डाल के यहाँ पे वॉन्ड्रिंग पे छोड़ देता हूँ, इसके अंदर स्पॉल मीट डाल कर। भाई ऊपर से ना नीचे कहीं पे कूद भी के नहीं चला जाना, ठीक है, बिहेवियर इनेबल वॉन्ड्रिंग, ठीक है भाई। आराम से इधर उधर घूमते रहे अभी, बस ऊपर से, अबे यार सीन हो गया, थोड़ा सीन हो गया। मैं उसको राइड कराऊँ ना डंग बीटल को, तो इसलिए जब भी मैं जंप मार रहा हूँ तो मैं इस तरीके से स्टक हो रहा हूँ। सो इसका क्या सोल्यूशन है भाई, जान देना, अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी मुझे। ठीक हो गया, अब यार नहीं हो रहा, ठीक मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। हो गया ठीक, रुको रुको गाइस रुको, मैं अपने प्राणों की आहुति दे देता हूँ, काम हो जाएगा। चलो ये ग्लिच जो है गाइस इससे तो एटलीस्ट हट जाऊंगा मैं। अभी मुझे गाइस बनाना है फार्म, टॉयलेट, काफ़ी सारी चीज़ें बनानी, तब जाके कहीं पे हम लोग वो वॉइड वाली ट्रीट जो है गाइस वो बना सकते हैं, तब तक वो वॉइड वाली ट्रीट बनेगी नहीं। सो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें भाई अलग अलग तरह की बनानी पड़ेगी। अभी जब मैं इसको भाई ऊपर लेता हूँ, हमारे जो डायनोज है, अरे बाप रे भाई, फ्लैश के चचा जी स्पीड देखी आपने, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ, सीधा डायरेक्टली नीचे गिरा दिया इसने। मैं तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा स्पीड है भाई, तू यहाँ पे रहेगा आराम से, ठीक है। तेरे भाई को भी लेके आ रहा हूँ मैं, एंकलो अंकल, एंकलो को भी यहाँ पे रख देता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी ना इनकी तब मैं इनको यूज़ करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए फिनिक्स वाले डायनोज की मुझे ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ेगी तब ज़रूर से हम लोग तुमको बुलाएंगे भाई, ठीक है। तुम यहाँ पे बने रहो पीटी अंकल, तुम थोड़ा आगे की साइड चलो, पीटी की भी लेवल अप आ चुकी है। अरे यार स्किन वगैरह ड्रॉप करनी पड़ेगी, कॉस्ट्यूम्स ड्रॉप कर लेता हूँ एंड अभी मुझे फटाफट से, ठीक है, डंग बीटल का काम हो गया। डंग बीटल कुछ दे रहा है क्या? लेकिन बाय द वे मुझे कुछ भी नहीं दे रहा, इसके अंदर फर्टिलाइजर डालना ज़रूरी है। सो अभी हम लोग को बनाना है गाइस यहाँ पे एक, ठीक है रुको, कितना चाहिए होगा, 1 2 5 5 के बनेंगे ना, 5 5 20 चाहिए होंगे फाउंडेशन, 20 नहीं चाहिए, 24 फाउंडेशन टोटल, एंड टोटल 24 फाउंडेशन,
चार बन गए ना, छः बन गए, हाँ ठीक है चलो। देन आई नीड अ स्टेयर्स, लगभग चार स्टेयर्स, ऑल राइट। उसके बाद हमको चाहिए होंगी रेलिंग्स, चार, थोड़ी और रेलिंग्स अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए, थोड़ी और रेलिंग बढ़ाते, 10, 12, 15, 20, 17 रेलिंग, ओके। उसके बाद क्रॉप प्लॉट्स, क्रॉप प्लॉट जो होंगे वो हमारे रहेंगे 20, डन। छः क्या हो गया, अच्छा ओके, इसमें रिसोर्सेज पहले से भाई, 30 बना लो, 17, 35, 18, 19, 20 क्रॉप प्लॉट बनेंगे। उसके बाद स्टोन के पाइप्स बनेंगे, 1-2 पाइप, ये बनेंगे थोड़े से पाइप, 6-7-8-9-10-11, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आराम आराम से बनने दो। सो फार्म जो है गाइस वो हम लोग बना रहे हैं नीचे, ओके, नीचे जो हमारी जगह है वहाँ पे हम लोग फार्म बनाएंगे। पीटी मेरा वेट उठा नहीं पा रहा है तो रुक जाओ, कहाँ पे भाई, ये रहा ना, तैयार उठाते हैं, चलते सीधा नीचे, वहाँ पे हमारा फार्म जो है गाइस वो बनाने का काम हम लोग करने वाले शुरू। वहीं पे हम लोग जो है ना गाइस, फर्टिलाइज़र के बिना वैसे फार्म नहीं बनेगा, बट अगर टॉयलेट बन जाता है तो काम हो जाएगा गाइस हमारा ना, फिर फर्टिलाइज़र भी हमारे पास आ जाएगा। रुक जाओ, टॉयलेट क्या बन रहा है मुझे देखने दो एक बार, बस एक टॉयलेट बन जाए, टॉयलेट, टॉयलेट अनलॉक नहीं है यार, इनग्राम अनलॉकर एक तो भाई ठीक से जो ना गाइस काम नहीं करता है, अलग ही सीन है इसका। टॉयलेट भाई, सामान खींचने वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, हाँ आ गया, कभी कभी ग्लिच हो जाता है ये। सो ये टॉयलेट यहाँ पे बनेगा, ये टॉयलेट, ओके चलो। तो अगर मैंने थोड़े टाइम पहले ही पॉटी करी है तो मुझे पता नहीं है गाइस कि वापस से पॉटी आएगी या नहीं आएगी, बट देखते चलो, पॉटी अगर आ जाती है तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे एक फर्टिलाइज़र बस मुझे मिल जाए तो उससे मैं एक का डबल कर लूँगा हमारे क्रॉप लोड के अंदर, बस एक फर्टिलाइज़र के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारा फार्म बनने वाला है यहाँ पे, ठीक है। वट से नीचे गिर गया, यहाँ से भाई जितने स्टोन वगैरह हैं, ऑब्सीडियन, अरे हाँ ये ऑब्सीडियन भी देते हैं ना, मैं भूल गया था भाई, तो अब भाई ओवरवेट करा दी सी, अरे तो ये तो पूरा ओवरवेट करा दिया, रुको मैं ऑब्सीडियन फेंक लेता हूँ भाई, 80,000 स्टोन, भाई मजाक कर रहा क्या, मजाक हो रहा है क्या भाई, नहीं चाहिए इतने ज़्यादा स्टोन, अरे कॉमेडी में कितना बड़ा चाहिए होगा। ये भी तोड़ने पड़ेंगे, ये दोनों पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, वहाँ पे आर्थोपोलियो है, ये दोनों पत्थर तोड़ने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे फार्म बनेगा और हो सके तो आगे का भी पत्थर तोड़ना पड़ेगा, पहले ये पत्थर तोड़ लो। ओवर वेट हो रहा हूँ लिटरली मैं भाई, स्टोन तोड़ गए, ये एग जो है इसे डैमेज भी तगड़ा दे रही है और रिसोर्स तो भाई क्या ही बोलूँ, अनलिमिटेड दे रही है भाई, 1,20,000 भाई, 2 पत्थर तोड़ के मुझे स्टोन मिला है बस खाली, सारा भाई स्टोन फेंकने दो भाई फटाफट से, भाई ऑब्सीडियन विप्सीडियन दे रहे हो यार तुम लोग को फालतू में। ये भी स्टोन तोड़ना पड़ेगा सामने वाला, ये एक स्टोन तोड़ना है, वो पीछे वाले मेटल के स्टोन तोड़ने की फिर ज़रूरत नहीं है, बस ये एक ही स्टोन तोड़ना है मुझे और वो सामने वाला स्टोन है वो तोड़ देना है, ओके। बट आज तो फार्म बन के रहेगा हमारा, आज फार्म बन के रहेगा, चीज़ें सारी बन रही है लो लो करके, ये एक पत्थर बस तोड़ देना है और हमारा काम हो जाएगा, ओके। सारी मैक्सिमम सारी चीज़ें गाइस बन के रेडी हैं। मैंने कुछ चीज़ें फेंकी तो नहीं है ना गलती से फ्लो में, ठीक है चलो। भाई कचरा देख रहे हो कितना ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे, सो अभी यहाँ पे मुझे लगा देने फाउंडेशंस, 26 फाउंडेशन है बराबर, सो 1, 2, अरे यार डबल फाउंडेशन क्या, 3, 4, 1, 2, 3, 4 एंड 5। भाई डबल फाउंडेशन नहीं लगाऊंगा, मुश्किल से मैंने इतनी फाउंडेशन बनाई है, एक तो क्राफ्टिंग स्पीड सिंगल प्लेयर में काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। 1, 2 कम ऑन, 3, 4, 5 यहाँ पे स्टेयर लग जाएगी बराबर, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 बराबर और यहाँ पे 5, 1, 2, 3 कम ऑन, 4 एंड 5 एंड और फाउंडेशन एक एक्स्ट्रा है क्या, एक एक्स्ट्रा है, 4 और फाउंडेशन बना लेते हैं, यहाँ पे एक और वो लगा देंगे, स्टेयर जो बनाई है वो लगेगी सामने की तरफ, हमारी स्टेयर हम लोग यहाँ से ही चढ़ेंगे ना गाइस, सो स्टेयर्स ऑफ कोर्स यहाँ पे ही लगेगी,
ठीक है, 1 2 3 4 चार और स्टेयर भाई, एक ही बन रही है, गरीबी आ गई क्या अभी? कौन सी चीज भाई स्टेयर बनाने के लिए कम पड़ गई? रुको ऊपर से सामान खींच लेता हूँ, घर तो हमारा ऊपर ही है, घर तो हमारा ऊपर ही है भाई। स्टेयर बनाने के लिए क्या कम पड़ रहा है? वुड कम पड़ रहा है भाई, ये ले बस डन। अभी आराम से हम लोग यहाँ पे फार्म बना सकते हैं हमारा, ठीक है 1, ठीक है 3 और 3 स्टेयर यहाँ पे लग रहे हैं, उसके बाद रेलिंग लगा देते हैं फार्म का। भाई वीडियो मुझे पता है कि इस लंबी बन रही है, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक ही एपिसोड में अगर ये फार्मिंग वगैरह कर लूँ तो अगले एपिसोड से हम कुछ ना कुछ टेमिंग शेमिंग या फिर टेमिंग फूड मेकिंग तो कर सकते हैं एटलीस्ट। सो इसलिए मैं एक ही एपिसोड में ये सब ख़त्म करने के लिए वीडियो थोड़ी ये वाली लंबी बना रहा हूँ, फिर ज़्यादा कुछ सीन ना हो। ओके चार और ही लगेगा, 1 2 ओके 1 एंड 2 डन खत्म एग्जैक्ट ब्रो। नाउ क्रॉपलॉट 20 बनाया हम लोग ने, 1 2 3 4 5 ठीक है 10 ठीक है 15 एंड 20 20 लग गए क्रॉपलॉट्स। नाउ द पाइप, सो द पाइपलाइन, पाइपलाइन कहाँ से आएंगी यहाँ पे? दो पाइपलाइन आएंगी बराबर, एक वाली ये पाइपलाइन है जो कि रहेगी गाइज स्टोन पाइप्स, कहाँ पे स्टोन पाइप चाहिए होंगे हम लोग को, टेढ़े वाले 3-4 स्टोन पाइप, सीधे वाले 6-7-8 स्टोन पाइप समथिंग कुछ, एंड ये भी 7-8-9-10 पाइप, ठीक है चलो। सो हम लोग को इसको नहीं, ये तो ठीक है चलो, ये यहाँ से ऐसे लगेगा, फिर सीधा वाला लगा देंगे ऊपर जो कि हम लोग को ऊपर लेके जाएगा बराबर ऊपर साइड में, और यहाँ से फिर स्ट्रेट वाला लगाए या टेढ़ा वाला लगाए, ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा ना, सीधा वाला लगा दूंगा तो ज़मीन के अंदर चला जाएगा। चलो हम लोग को वैसे भी एक ही तो फर्टिलाइज़र चाहिए, हमको थोड़ी 10 फर्टिलाइज़र चाहिए। इसके ऊपर बैठेंगे, अभी ये मत बोलना कि टॉयलेट नहीं आई है, लगाए था मुझे टॉयलेट नहीं आई है भाई, ये अलग सीन है भाई, जब टॉयलेट आएगी तभी हमको फर्टिलाइज़र मिलेगा। हट बाबा, अरे बाबा हमारा तो भाई यहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन कोई ना चलो जब टॉयलेट आएंगे तब देख लेंगे, तब तक हम लोग हमारा जो पाइपलाइन का काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं। कितने पे? ऊपर ऊपर भाई ऊपर, एक और भाई डन, एंड ये वाली पाइप्स 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 एग्जैक्टली लगी है भाई एग्जैक्टली। अभी यहाँ पे पानी का जुगाड़ करना है, ये 1 ये 1 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और मिडल में, दो मिडल में सबको पानी मिल रहा है, 600 600 600 ये कोने में 600 सब में गाइस यहाँ पे पानी हम लोग को मिल रहा है, ठीक है हर एक क्रॉप लॉट में पानी मिल रहा है, तो हमारा काम जो है गाइस हो चुका है 25। अभी यहाँ पे हाइड कनेक्टेड पाइप, एंड इसका पाइपलाइन दिखेगा तो भी कोई सीन नहीं है। तो गाइस हमारा फार्म जो है गाइस वो रेडी हो चुका है, बट अफसोस हम लोग को गाइस अभी तक पॉटी नहीं आई है। आ गई किस्मत किस्मत किस्मत, दो दो पोटियाँ मिल रही है, दो दो पोटियाँ मिल रही है, दो दो पोटियाँ मिल रही है गाइस, दो दो पोटियाँ मिल रही है, दो दो पोटियाँ मिल रही है। मैं क्या करूँगा देखो आपको मैं बताता हूँ, अभी अभी तुम्हारे भाई का जलवा देखो, सीट ऑन टॉयलेट, 4 मिल गए ना, 6 मिल गए ना भाई, ठीक है अभी हम लोग चलते ऊपर, हमको जो चीज़ चाहिए थी गाइस वो मिल चुकी है बराबर, अभी सीधा हम लोग जाएंगे ऊपर। ऊपर जाके पहले तो मैं यहाँ पे डालूंगा एक पॉटी, इसको करूँगा एक का डबल, ये हो रही है एक का डबल पॉटी। अभी फ्यूनिक्स वाले डंग बीटल के अंदर ये 4 पॉटी डालूंगा, तेरे को कितना चाहिए? 5 पॉटी चाहिए भाई, ये 4 पॉटी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा तू? ये क्या फर्टिलाइज़र नहीं है? ये बोल रहा है ये वाला फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए भाई, मैंने डाल तो दिया है ना तेरे अंदर फर्टिलाइज़र ब्रो, ये वाला चाहिए 20x वाला, तेरे अंदर 20x वाला डाल देता हूँ, रुक जा ये वाला ले। अच्छा बन रहा है ऐसी बात नहीं, ये नहीं बन रहा है, बन रहा है इसके अंदर भी, ये 10x वाला फर्टिलाइज़र है। सो इसके अंदर चाहिए तो हम लोग फर्टिलाइज़र जो है गाइस वो भी बना सकते हैं इजी पीजी। तो को फर्टिलाइज़र की भाई फुल यहाँ पे फार्मिंग चालू कर देता हूँ, ताकि अगले एपिसोड में हमारा फार्म जो है गाइस वो कंप्लीट हो सके, ठीक है।
सो फाइनली फार्म हम लोग ने बना लिया, हमारे पास फर्टिलाइजर आ चुका है, बाकी सीड वगैरह लगाने का काम जो है ना कि वो हम लोग अगले एपिसोड में कर लेंगे। बाकी आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है आर्क डू ओ डाई का हो जाता है ये पे खत्म। आज काफी प्रोग्रेस कर लिया हम लोग ने, एक ओपीसा डंग बीटल टेम कर लिया, फर्टिलाइजर बना लिया, फार्म बना लिया, पीटी टेम कर लिया, लावा बम में जाके आ गए, मजा आ गया। बाकी आपसे मिलते हैं सीधा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get